प्रकृति जब अपने पर आती है तो क्या कुछ कर देती है, वो हमने 2013 में भी देखा और उसके बाद काफी बार भी। चाहे चमोली जिला हो या रुद्रप्रयाग, हर कोई से सहमा है। आज ऐसी एक घटना पौड़ी में हुई है और पौड़ी से अभिनव रावत जो एक अच्छे सिंगर हैं उत्तराखंड के और उत्तराखंड के लिए प्यार भी उतना ही रखते हैं, अभी पौड़ी में एक बैजरो गांव में पहुंचे हैं ये। तो मैं चाहूंगा अभिनव आप ही वहां से थोड़ा सा दिखाएं हमें कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर, क्योंकि जो तस्वीरें हैं भाई वो बहुत भयावह लग रही हैं। क्या कुछ हुआ है थोड़ा समझाएंगे। जी नमस्कार। कल 22 नमस्ते तारीख को यहाँ पे माँ रसलान दीवा के मंदिर में क्लाउड बस्टर्ड हुआ, यानी बादल फटा और वो चारों दिशाओं में उसका पानी गया। तो जिन जिन दिशाओं में अच्छा वो पानी गया है, वो जगह से रोड़े गायब हो चुकी हैं और जिनके घर थे वो घर ही यहाँ से दब चुके हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये ओ पूरा घर यहाँ पे कमल किशोर बिष्ट का है और ये यहाँ पे किसानी करते हैं, स्पेशली गांव में वापस आए इसलिए थे। इससे पहले भी इनका एक हो पुश्तैनी घर है जो पिछली आपदा में बह गया था, वो आप उस गांव में है कुंडजोली में, यहाँ पे इनका एक पुश्तैनी घर था जो बह के चला गया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपना नया घर बनाया और इसके साथ भी यही हो गया यहाँ पे। ये देखिए आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप, पूरा इनके जो खेत थे यहाँ पे सब खेत लापता हो चुके हैं यहाँ से। ये क्या नदी या नाले की तरफ था गदे रुद्र नीचे मुंह। नहीं, नदी नदी तो यहाँ से आती नहीं थी, लेकिन गहरी है, जो गहरा बोल दीजिए, मतलब कभी जहां से आने का कुछ चांस हो सकता है उस जगह पे हाँ घर वही है, तो। लेकिन थोड़ा सा मतलब बीच में नहीं है इनका घर, थोड़ा सा आउटसाइड पे भी है, ऐसा नहीं है कि बीच में है। अच्छा लेकिन ये जो आप देख सकते हो ऊपर से जो धार आ रही है उसकी क्या चौड़ाई रही होगी। इनको इनसे बात कराना जी, जरा रावत जी ये वहीं थे घर पे बिल्कुल कल। हाँ, ये है कमल किशोर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम किशोर जी। कमल जी कल रात को तो इस पूरी आफत में आप वहीं थे क्या उस टाइम। सर मैं तो एक्चुअली कहीं बाहर जा रखा था, किसी काम से जा रखा था। मम्मी पापा लोग और गांव की कुछ औरतें बैठ रखी थी घर में। शाम का टाइम था, अच्छा हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो उस अच्छा टाइम पे वो लोग थे। जी हाँ तो कितने बजे की बात है ये, कितने बजे की वारदात है। अच्छा ये 3 बजे से करीबन बारिश स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, और दोपहर ये में। साढ़े हाँ 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में ये बारिश ये जितना भी मलबा है वो आया। अच्छा तो घर में कौन कौन था, जो पीछे मैम है मम्मी ये घर में थी उस टाइम। हाँ ये आप घर में नहीं, वो नहीं नहीं मैं थी, भी बाहर जा रही वो थी। भी बाहर जा रखी थी। अच्छा चलो मम्मी थी, अच्छी पापा बात है थे कि और बच्ची थी। वो सब ठीक है, जी वो सब हाँ, ठीक वो है। सब मैंने ठीक कहा है। हाँ जी सब ठीक है। वो कोई अभी सरकार की तरफ से आपके पास कोई लोग आए या कुछ हुआ ऐसा। हाँ, कुछ लोग सरकारी लोग आए हैं वो भी, और वो वीडियो फोटो खींच के ले गए हैं वैसे। अच्छा वीडियो फोटो खींच के। स्थानीय विधायक कौन है आपके। विधायक बोल अभिनव जी विधायक कुछ हुआ रहे कर। हैं, विधायक को समर पॉडिंग में तो नहीं पता, पौड़ी पौड़ी में पड़ दू को। पौड़ी में है हाँ ना ये, पौड़ी में आते हैं यहाँ आदो ये पौड़ी के, पूरी यहाँ का पौड़ी है। चौबटा खाल है, चौबटा खाल यहाँ चौबटा पे खाल विधान सभा सतपाल महाराज, अच्छा सतपाल महाराज जी का है इधर। सतपाल हाँ सतपाल महाराज जी का है ये। जी बहुत बढ़िया। तो सतपाल महाराज जी से संपर्क करने की कोशिश की है ग्रामीणों ने या आप लोगों ने किसी ने। उनके उनके पीआरओ आ रहे थे, उन्होंने बात कराई थी। पीआरओ आ रहे हैं, हाँ कौन है उनके पीआरओ वहां पे। इतना तो मुझे पता नहीं है, मैंने ये आज ही देखा था, उन्हें मैंने पहली पहली बार देखा, बार ही देखा था नाम उन्होंने, नहीं, नाम नाम नहीं पता। तो मुझे पता नहीं है उनका, तो उन्होंने ये ही बात तमाम करवाई। तस्वीरें। अभिनव जी और कितना कितना नुकसान हो रखा है वहां पे। ये देखिए आप, बाप रे पूरा मकान बहुत बुरा हाल है। ओ हो। घर और के अंदर भी सोचिएगा पानी जब भरा ये पड़ा पूरा। है। हाँ अरे रे रे। और सोचिएगा जब ये तस्वीरें सामने रही होंगी, ये मंजर सामने रहा होगा, क्या पानी रहा होगा, क्या चीजें रही होंगी। अच्छा ये नीचे वाला तो पूरा ही ऑलमोस्ट अंदर ही हो गया मुझे लग रहा है।
यहाँ गौशाला तो नहीं थी ये? गौशाला नहीं है यहाँ पे, अच्छा तो इनके मिर्च मसाले के डब्बे भी सब बह चुके हैं यहाँ। इनके घर में अभी तो राशन भी नहीं है, यहाँ पे सब बह चुका है। ओहो, ये गांव का नाम क्या है इनका? कुणजोली कुणजोली बैजरों में पड़ता है। बैजरों में, आपको कब सूचना मिली थी अभिनव जी? सूचना तो कल आ गई थी। अब कल आना तो बहुत रिस्की है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कहाँ से पहाड़ गिर जाए, पता चल रहा मैं ही दब गए हैं। बहुत बुरा हाल है। और आसपास के गांवों में भी ऐसे ही हो रखा है कुछ? बाकी तो और जगह ऐसा कुछ मकान मुकान किसी का गया नहीं, एक जगह पे है, वो अच्छा पूरा रोड पे उनका मकान है, तो वो रोड पे ही पता नहीं कहाँ से आ गया मलबा। वो अच्छा कार की वजह से वो बच गया, उनका घर। पूरी कार अच्छा दबी हुई है, मतलब मलबे के नीचे बाइकें दबी हुई है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका धन्यवाद, जुड़ने नमस्कार। के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चीजें आगे जाएं और कहीं ना कहीं इनको अगर कुछ भी बिल्कुल जानी मदद हो चाहिए, और पाए। इनको आर्थिक रूप से मदद भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि मुझे नहीं पता सरकार से कितना आता है, क्या आता है, उसमें घर बनता है नहीं बनता है, तो उसके लिए बिल्कुल हम फंड रेज भी करेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ये ऐसी चीजें होती हैं कि जब आदमी को जरूरत होती है उस समय कुछ नहीं मिल पाता। ये चीज़, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आप धन्यवाद। लोगों का भी। जी नमस्कार।